नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021 से 2022 के अंतर्गत SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज के अंतर्गत हमें मोर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंशन टिल 31st December 2021 ऑर्डर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो एड्रेस है यहाँ पर दिया गया है, 30/11/2021 को यह कार्यालय आदेश जारी किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष समूह योजना पूर्व में पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय अथवा निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर पर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित या अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों कक्षा 11 एवं 12वीं की अतिरिक्त। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कक्षा 11 है और कक्षा जो 12वीं की जो विद्यार्थी है इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के लिए पूर्व में आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 30/11/2021 रखी गई थी। वर्तमान जो आदेश जारी किया गया है इसके अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, PG, इसके अलावा BEd, MEd एवं PhD लेवल तक के जो विद्यार्थी हैं स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहां दी गई है अथवा SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप SGE ऐप पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि के निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। विषय वस्तु पूर्व में निर्धारित तिथि अंतिम तिथि थी 30/11/2021। नवीन निर्धारित जो तिथि रखी गई है 31/12/2021, अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD लेवल तक के जो विद्यार्थी हैं 31/12/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं और इसके संदर्भ में हमने भी पूर्व में विस्तारपूर्वक वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर दूरभाष नंबर दिए गए हैं, इन दूरभाष नंबर पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।